गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स क्लास थर्ड मैसेल्फ मुकेश शर्मा फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल पेड़ा टुडे आई विल टीच यू यूनिट थर्ड लिटिल बाय लिटिल पॉइंट। देखिए ये एक छोटे से बीज की के बारे में इसमें पोएम के अंदर बताया गया है। छोटा सा जो बीज होता है वो किस प्रकार बड़ा होता है और वो एक बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। लेट्स रीड लिटिल बाय लिटिल एंड अपॉन साइड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडनली इन द अर्थ अवे लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रो लिटिल बाय लिटिल इट स्लिप्स द ड्यू लिटिल बाय लिटिल एंड अकॉन सेड। अकॉन कहते हैं बच्चों, अकॉन मीन्स होता है बी। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा हूं, लिटिल बाय लिटिल मीन्स होता है थोड़ा थोड़ा करके। एन अपॉन सेड एक बीज ने कहा, अपॉन एक बीज ने कहा, एन एन इन दुनाए एक। एज इट स्लोली सैंक इन इट मॉसी बेड और आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे। जब मैं जमीन के अंदर होता हूँ तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। एस एल ओ डब्ल्यू एल वाई स्लो माने धीरे 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 धीरे। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ और जब मैं हिडन डीप गहराई में छुपा हुआ हूं, हिडन डी गहराई में छिपा हुआ, जब बीच गहराए जब मैं गहराई में अंदर जमीन के अंदर होता हूं तो आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। एवरी डे मीन्स होता है प्रत्येक दिन बच्चों, एवरी डे। एवरी डे मीन्स होता है प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग अपने आप में मैं सुधार कर रहा हूँ। सुधार जिसका सुधार करना है छोटे बीज से वो अंकुरित होता है, जल सूखता है, जल सूख का अंकुरित होता है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है वो पानी सूख करके। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे। जब मैं जमीन के अंदर होता हूँ, हिडन डीप मीन जमीन के अंदर, इन द अर्थ, इन द अर्थ मीन जमीन में, अवे मीन नीचे दूर। जब मैं जमीन के अंदर होता हूँ तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। ये कौन कह रहा है बच्चों, अपॉन के सी ओ आर एंड अपॉन अपॉन यू बीच कह रहा है। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रो और धीरे धीरे करके मैं बड़ा होता हूँ। जी आर डब्ल्यू थ्री थ्री बीच होता है बड़ा होना, वृद्धि, अपने आप में वृद्धि करता हूँ, बड़ा बड़ा होना। लिटिल बाय लिटिल इट स्लिप द ड्यू और स्लिप द ड्यू और ओस की जो बूंद होती है, की जो बूंद होती है उनको मैं पी करके धीरे धीरे अपने आप में वृद्धि करता हूँ। पानी की एक एक बूंद को पीता जाता रहा हूँ और पानी की एक एक बूंद को पी पी करके मैं वृद्धि करता हूँ। डाउनवर्ड इट सेंड आउट ए सैड लाइक रूट और जब मैं नीचे की तरफ होता हूँ तो मेरी जड़ें जो होती है वो धागे की तरह बड़ी होती जाती है। डाउनवर्ड कहते हैं बच्चों नीचे की तरफ, डी ओ डब्ल्यू एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ।
जब मैं नीचे की तरफ होता हूँ तो क्या है इट सेंड आउट इट थ्रेड, थ्रेड मीन होता है बच्चों धागा, मैट जड़ों जैसा, टी एस आर टी एन थ्रेड मीन धागा, लाइक रूट जड़ों जैसा, जिस प्रकार जड़ होती है वैसा। जब मैं नीचे की तरफ होता हूँ डाउनवर्ड्स में होता हूँ तो क्या होता है स्टैंड आउट ए थ्रेड, तो मेरी जो लाइक रूट मेरी जो जड़ें होती है वो धागे की तरह बड़ी हो जाती है, अप इन द एयर स्प्रेड ए टिनी रूट। और जब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ अप अपनी होता है बच्चों ऊपर, जब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो क्या होता है अंग होने की बात भी ऊपर की तरफ जाता है, इन द एयर एयर मीन्स हवा में, जब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो क्या होता है स्प्रेड ए टिनी रूट, जब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो जो पेड़ का तना होता है वह बन जाता हूँ, पेड़ का जो तना होता है वह बन जाता हूँ। डे बाय डे दिन गुजरते जाते हैं, ईयर बाय ईयर और साले गुजरते जाते हैं, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर और धीरे धीरे करके मुझ में पत्तियां आ जाती हैं, किसमें उस बीज जो अंकुरित हुआ मैं धीरे धीरे करके एक एक दिन निकल गया और साला निकल गई और बड़ा हो गया वो पत्तियां आ गई उसमें, लिटिल बाय लिटिल धीरे धीरे करके लीव्स अपीयर, लीव्स अपीयर मीन्स होता है पत्तियां आना, लीव्स अपीयर लीव्स आना पत्तियां और एपियर आना प्रकट होना, एपियर मीन्स प्रकट होना भी होता है आना, एक ही बात है उसको। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस, स्लेंडर ब्रांचेस कहते हैं सीधी शाखाएं, स्लेंडर ब्रांचेस सीधी शाखाएं, स्प्रेड स्प्रेड मीन्स होता है जो फैल जाती है, स्लेंडर ब्रांचेस सीधी जो शाखाएं होती है स्प्रेड स्प्रेड मीन्स फैल जाती है, फार एंड वाइड दूर दूर तक चौड़ाई में, फार मीन्स होता है दूर, वाइड मीन्स होता है चौड़ाई में, टिल द माइट ऑफ इज द फॉरेस्ट ब्रैड, और फिर क्या होता है एक माइट ऑफ एक शक्तिशाली पेड़ बनता है और बीच के राय बच्चों एंड द सिलेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड टिल द माइट ऑफ इज द फॉरेस्ट ब्रैड, और फिर समय निकलता जाता है मेरी टहनियां भी आती जाती है बड़ी होकर सीधी होकर फैलने लगती है, फार एंड वाइड मीन्स फैलने लगती है, और एक टाइम आता है उस टाइम के बाद ओक का एक बहुत ही शक्तिशाली पेड़ बन जाता है, ओ ए के ओक मीन्स शक्तिशाली ओक का पेड़ होता है वह बन जाता है, इज द फॉरेस्ट प्राइड, और गर्भ में जंगल में वो खड़ा हो जाता है, प्राइड प्राइड मीन होता है बच्चों गर्भ से, सी आर आई डी प्राइड मीन गर्भ से खड़ा हो जाता है, ऑफ ओ ए के ऑफ पेड़ होता है ऑफ का पेड़, का पेड़ का वो विशाल होता है बच्चों तो वह बन जाता है, तो इसमें बच्चों ये कंप्लीट होता है, इसको आप लिटिल बाय लिटिल लर्न करें अगेन इसको और अच्छी तरह कंसर्व करें, इसकी हर लाइन को लर्न करें, यदि टेस्ट में से कोई भी लाइन ब्लैंक छोड़ दी जाए और ऑप्शन में से आपको भरा जा सकता है तो आप इसको अच्छी तरह कंटेंट रन करें, ओके थैंक यू।